Hey everyone, welcome back to Learn with Pari. परी के पापा क्या कर रहे हैं परी के चैनल में, यही आप सोच रहे होंगे। तो पहले मैं बता देता हूँ कि आज का वीडियो क्या है, उसके बाद आपको परी से मिलाता हूँ। तो आज का वीडियो जो है परी का डेली रूटीन है, और वो है परी का स्कूल डे। ओके, स्कूल डे में वो क्या करती है, हमने पहले भी जो उसका डेली रूटीन हमने शूट किया था, बट वो उसका वीकेंड को था। बट आप लोगों को देखना है कि परी जो स्कूल डे होता है उस दिन वो कितने बजे उठती है, शाम को क्या करती है, वो सब आपको देखना था। तो आज के वीडियो में वही देखने को मिलेगा, और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो आपको परी से मिलाता हूँ। और अभी पहले बता देता हूँ कि टाइम क्या हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है सुबह का 7, तो यही टाइम होता है जो परी का उठने का टाइम होता है। ठीक है, चलिए परी से मिलाता और आप देख सकते हो बाहर कितना कोहरा हो रहा है, सर्दी का मौसम है, इतना सुबह सुबह किसी को उठने का मन ही नहीं करेगा, बट सुबह उठना ही पड़ता है और परी को उठाना पड़ता है, वो अपने आप नहीं उठती है। चलो सबसे पहले परी को उठाते हैं। तो ये लो, अभी तक ये तीनों सो रहे हैं। ठीक है, तीनों ने चारों, ये परी का डॉल ब्राउनी, और ये लो हमारी होस्ट। ओ परी बेटा, परी उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, स्कूल। और थोड़ा सोना है। नहीं 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 नहीं, चलो चलो चलो, लेट हो जाओगी, जल्दी चलो, लेट हो जाओगी। ओके, ए फ्यू मिनट्स लेटर। सो परी, सुबह उठ के कैसा लगता है? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ठीक है, जल्दी जल्दी उठना पड़ता है ना। आज स्कूल मत जाओ, जाके सो जाओ। डांस भी है, अगर आप समझ कर लोगे ना तो डांस से पूरा आउट कर लेंगे। ओके ओके, आप सुन मोड से फिर डांस नहीं सीख सकते ना और एक बार। और स्कूल एब्सेंट नहीं भी करना चाहिए कभी भी, है ना। सर्दी के दिन में थोड़ा उठना मुश्किल होता है सुबह सुबह। चलो चलो जल्दी से ब्रश करो, चलो। आदि तो अभी उठ गया है। आदु, परी दीदी कहाँ गई? आदि सोच रहा है अभी। आदि, परी दीदी कहाँ गई? आदि, परी दीदी किधर है? बाहर है। परी दीदी स्कूल जाएगी ना अभी। चलो चलो देखते हैं परी दीदी क्या कर रही है। चलो, कहाँ है परी दीदी, किधर है दीदी? चलो, इधर है दीदी। दीदी अपना हेयर कॉम कर रही है। आ गया आदू, कुछ हेल्प चाहिए? ओह, अरे अरे अरे, वो इसके लिए आया है। वो इसके लिए आया है। हाँ। तो अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ अपना ड्रेस पहन के भी। तो फिर अभी मैं खा रही हूँ अपना नॉर्मल स्नैक जो कि मैं सुबह को खाती हूँ, जो कि मचू कुछ। तो फिर अभी मैंने अपना सारा बुक्स बैग में रख ली हूँ जो भी आज का क्लास में होने वाला है। तो फिर चलो सुबह मैं अपना प्रॉप्स रख लूँगी। मैं आपको मेरा प्रॉप्स दिखाऊँ डांस के लिए? आ जाओ दिखाती हूँ। सो ये है मेरा स्नैक्स बॉक्स और ये है मेरा लंच बॉक्स। तो फिर आप जानना चाहते हो ना
कि मैं अपने स्नैक्स बॉक्स और लंच बॉक्स में क्या लेकर जा रही हूँ। उसके लिए आपको मेरी मम्मी का चैनल देखना पड़ेगा। उनके चैनल का नाम है रूबी होममेकर। उसमें आप जानोगे कि मैं अपना लंच बॉक्स और स्नैक्स बॉक्स में क्या लेती हूँ। ओके, अभी तो मैं इसको रख रही हूँ मेरे बैग में। मम्मी, वो जो रिबन है उसके पीछे पीछे आग जला दिया। तो फिर ये है मेरा प्रॉप्स। देखो, स्टार्टिंग में ना मैं थोड़ा रिबन डांस करने वाली हूँ, और इसमें से एक रिबन तो निकल चुका है। पापा, पता है 11th नवंबर को ना हमारे स्कूल में ना नॉर्मल स्कूल डे ही होगा, लेकिन असेंबली के टाइम में ना स्टार्टिंग में जो ओम वैसे करते हैं ना, उस टाइम में मैं डांस करने वाली हूँ अपना ये कन्नड़ा राज्योत्सव में। ये इसीलिए तो देखो रेड और येलो रिबन लगाया गया है कर्नाटक का फ्लैग का कलर। हाँ, लेकिन हम लोग अभी डांस करने से भी चलता है। तो फिर अभी मैं अपना शू पहन रही हूँ और टाइम हो गया है अभी 8 बजने के लिए और 15 मिनट्स है। तो फिर अभी मैं जा रही हूँ स्कूल, और स्कूल को पहुँचने के लिए मुझे 5-10 मिनट तो लगता है ना, इसलिए मैं जल्दी रेडी हो जाती हूँ। और फिर मैं क्लास शुरू होता है कितने बजे, 8 बजे ही। तो फिर अभी मैं जा रही हूँ स्कूल और मिलती हूँ आपसे 4 बजे। बाय दीदी। दीदी बाय बाय दीदी। बाय बाय गाड़ी। हाँ क्या हुआ दू? क्या हुआ? गुस्सा हो गया दू? क्या हुआ? ओके, तो फिर अभी मैं स्कूल से घर को पहुंच चुकी हूँ और अभी टाइम हो रहा है, अभी 4 बज रहे हैं, शाम के 4 बज चुके हैं अभी। और मुझे अभी थोड़ा फ्रेशअप होना है, फ्रेशअप होके मैं ड्रेस पहनने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ओके। ए फ्यू मिनट्स लेटर। राइस दाल लेकर नहीं जाती ना, इसलिए मैं घर को आने के बाद राइस दाल खाती हूँ। और वीकेंड्स में जो होते हैं ना, उस दिन मैं 2 बजे ही अपना लंच कर लेती हूँ। तो फिर आज तो मेरा फेवरेट बना है, चलो खाते हैं, देखती हूँ कैसा है। आदि, अभी ना दीदी नीचे खेलने जा रही है, तुम आओगे? हाँ, अरे तुम दीदी के साथ खेलने आओगे? वो बहुत बिजी है। तुम ठीक है, फिर दीदी खेलेगी, तुम ना अभी अपना काम खत्म करके फिर नीचे आ जाना वॉक के लिए, ठीक है? ओके आदु, बाय। परी आदू देख रहा है कि मैं कैसे अकेले जाऊं, ऐसे बोल रहा है, इसलिए मुझे लेकर जाओ बोल रहा है। पापा के साथ जाना। अरे तुम पापा के साथ जाना। पापा के साथ आदू, बाय। अबे डॉप।
का तहा है ताले? अरे वो देखो, अरे बहुत हो गया। अरे तुम फिर पापा के साथ आओगे ना नीचे, फिर हम लोग खेली खेली करेंगे साथ में। ये चुटकू ना मेरे को छोड़ता नहीं है। बहुत दिन हो गया मैंने मंकी बार नहीं किया। बैडमिंटन खेलेगा भाई? तूने तो मुंह धोया तक नहीं रे। और फाइन फाइन आउट बाय आउट लाइक दैट। नेट, देयर इज अ नेट। दिस इज नेट साइज। 5 पॉइंट्स नो। क्या हुआ? पहले पहले बाया। आउट हो गई? देखा, आदू को आ गया। और एक बार देखोगे? अभी दीदी और आदि साथ में करेंगे। और ये है लास्ट। आदि बच गया। ये कौन कौन है? आर यू, तुम कहाँ थे? आदि भाई तुमको मिस कर रहा था। तुम क्या कर रहे थे? पापा, आदि, परी दीदी, आदि साथ भी बहुत खेले। रुक जा। आदियो, आदियो, मेरा प्यारा भाई आ गया तू। गजब बेइज्जती है। मैं तो बहुत थक गई हूँ। अभी मैं जाकर थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाई करूँगी। और आर्यो आ गया। मेरा पढ़ाई के टाइम में तुम आए हो आज। oh, no. चलो फ्रेश हो कर आते हैं। तो फिर अभी मैं अपना थोड़ा मैं शाम को ना मिल्क भी पीती हूँ अपना, तो फिर अभी मैं अपना मिल्क पीऊंगी। बहुत गर्म है। अभी मेरा कन्नड़ा क्लास होना चाहिए था, लेकिन वीकली ना 3 दिन ही मेरा कन्नड़ा क्लास होता है, तो फिर आज कन्नड़ा क्लास नहीं है मेरा। तो फिर आज मैं अपना नॉर्मल होमवर्क ही करूँगी। तो फिर चलो मैं अपना पढ़ाई शुरू कर लेती हूँ। चलो ये पासवर्ड परफेक्ट टेंस हो गया है मेरा। यार मैं नोटबुक में कर ली। हाँ ये वाला थोड़ा गलत हो गया। करेक्ट वर्ब्स। One hour later.
तन्नंते परनाभ दूरे कैलास बिन्नान वक्कू सर्वज्ञा। ये लो, ये दोनों कर क्या रहे हैं? बैठ के टीवी देख रहे हैं। परी, तुम्हारा पढ़ाई हो गया? हाँ। सब होमवर्क कंप्लीट? कंप्लीट। रिवीजन? कंप्लीट। ठीक है, कल के लिए स्कूल जाने के लिए अपना बैग भी रेडी कर लो, ठीक है ना? हाँ। ओके, मम्मी अभी खाना बना रहे हैं, फिर डिनर करेंगे। या तू क्या देख रहे हैं? हाँ, क्या? क्रोकोडाइल। मुझे भी ये अच्छा लगता है। मोगली है ना, मैं बचपन में देखता था। क्या कर रहे हो आर्यू के साथ? परी, हम लोग क्ले के साथ खेल रहे हैं। आर्यू आर्यू ना दीदी के लिए क्ले ला लिया है। अभी से ये सारा एक्स्ट्रा पार्ट्स निकाल देंगे। ओके, सारा एक्स्ट्रा पार्ट्स निकाल करेंगे। निकल जा, निकल जा। अब ये बन गया, देखो ट्री। अब इसको फ्राई कर लेंगे, जिसके लिए खराब हो जाएगा गोभी। गोभी फ्राई ब्लू कलर का। हाँ, आर्यू आर्यू खाना बनाएगा? नहीं। आर्यू पर्पल वाले को बेलो, पर्पल वाले को बेलो। हाँ, ये देखो, ये गया ना, पर्पल वाले को बेलो। करो देखो, ऐसे इसको पकड़ो और ऐसे ऐसे करो। देखो, ये आर्यू क्या बना रहा है? रोटी। किसके लिए बना रहा है? बाबा 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 दीदी के लिए। सबको बढ़ता रख लिया। सबसे आर्यू सबसे ज्यादा प्यार किसको करता है? किसके? बाबा को। हां, थैंक यू आर्यू। मामा को भी, दादा भाई दीदी को भी, आर्यू भाई को। तो फिर अभी डिनर टाइम हो गया है और अभी मैं अपना डिनर कर रही हूँ। तो फिर ये मेरा रोटी सब्जी, चलो खाते हैं। एंजॉय, लेट्स एंजॉय। यम्मी। अरे तेरे को चाहिए क्या? ये लो मामा। गजब बेइज्जती है। फ्रेंड्स, आप दिन में दो बार ब्रश करते हो? मैं तो करती हूँ, नहीं तो आपके दांतों में ना कीटाणु लग जाते हैं और आपको बार बार डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। बहुत दर्दनाक होता है। पहले ना मैं ब्रश नहीं करती थी। ये देखो, सिल्वर कैप लगाया मेरे को। मतलब सिल्वर दांत तो गए मेरे। हाँ, हम गधे। ठीक से हो नहीं पाया, लेकिन फिर भी ट्राई तो की। ओके, तो फिर अभी रात के 10 बज चुके हैं और अभी मेरे सोने का टाइम हो गया है। मेरा डेली रूटीन आपको पता चला ना, कैसा हुआ? अच्छा लगा ना? मुझे तो बहुत नींद आ रही है भैया, मैं तो गई सोने। और हाँ फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का ये डेली रूटीन ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हाँ, अगर आपको अच्छा लगा तो फिर लाइक शेयर, और अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो और मत करना, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाता है। ब्राउनी मेरी प्यारी शीशी फ्रेंड, बाय बोल दो। बाय। एक्चुअली मुझे हेलो बोलना चाहिए था, क्योंकि मैं आपसे अभी अभी मिल ली हूँ। ओके, फिर भी हाय बाय। बाय बाय, लेट्स एंड द वीडियो। शुई।